अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम सुमेर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाहौर के एक स्कूल में एक बच्ची के साथ ऐसा वाकया पेश आया जिसके बाद आप यकीन जाने जो लोग भी सोशल मीडिया को देखते हैं या फिर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं वो लोग परेशान हो गए और सवाल उनके दिमाग में घूमने लग गए कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं या फिर नशों पे लगाने के लिए या फिर दूसरों बच्चों से पिटवाने के लिए। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे वाकयात आप लोगों ने देखे होंगे जिनमें बच्चियों के साथ स्कूलों में ज्यादती हुई, कुछ बच्चों के साथ मदरसों में हुई, बहुत सारे वाकयात ऐसे सामने आते रहते हैं। लेकिन ये वाकया आप लोगों को ज्यादती से मतलब उनको मारपीट और भी बहुत सारी चीजें उनके साथ होती रही, लेकिन ये जो वाकया है ये बड़ा तकलीफ दे वाकया है, क्योंकि एक ऐसी बच्ची जिससे अपनी दोस्त के बाप ने पूछा कि मेरी बेटी के नंबर्स क्यों कम आ रहे हैं, क्यों ये नालायक होती जा रही है, और एक ऐसे स्कूल की जिसकी फीस 4 महीने की 6 लाख फीस है। इतने बड़े स्कूल आप सोचें जहां एक बच्चे का 4 महीने का 6 लाख रुपए बाप जमा करवाता होगा, यकीनन अमीर आदमी होगा, जिस स्कूल का लेवल ऐसा है कि जहां के बच्चे बच्चियां मर्सिडीज में, BMW में, रेंज रूवर में, प्राडो में आते हैं, वहां पर बहुत सारे लोगों को यह देखकर हैरानगी होती है कि लड़कियां लड़के एक दूसरे को पिक करते हुए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर आते हैं, तो कोई रोक रुकावट नहीं है। कितना माँ बाप का एलीट लाइफस्टाइल होगा, कैसा जबरदस्त लाइफस्टाइल होगा पैसे वाला, वहां ऐसा वाकया पेश आता है कि जिसमें एक बाप बेबस हो जाता है। एक बाप अपनी बच्ची की एक ऐसी वीडियो देखता है जिसमें 4 से 5 लड़के घेरा डालकर वीडियो बना रहे हैं और 4 से 5 लड़कियां उसको उठा उठा कर पटक रही हैं, उसके मुंह पर ठुड्डे मार रही हैं, उससे बदला ले रही हैं, उसको जलीलो ख्वार कर रही हैं, लेकिन हमारे पुलिस, हमारे और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, पहले तो वो 5-6 दिन FIR नहीं कटवाते, ना काटते हैं और ना ही कोई ऐसा इकदाम करते हैं जिसकी वजह से वो जो बच्चियां या फिर वो जो लड़के थे जिन्होंने जुल्म किया एक 8वीं क्लास की बच्ची के साथ, उनको गिरफ्तार करते या फिर उन पर कोई FIR काटते 5 दिन तक। वो बाप जो खुद भी बजाते, खुद भी एक अमीर शख्स है, वो बेबस फिर रहा था। तो आप सोचें कि जो बाप अपनी बेटी को इस कदर जुल्म में देखता है और उसके बाद पैसे वाला होने के बावजूद भी FIR नहीं कटवा सकता, तो फिर एक गरीब आदमी, उसकी क्या वैल्यू है इस मुल्क में, उसकी क्या वर्थ है इस मुल्क में, जहां पर एक बाप FIR कटवाने जाता है तो बड़े बड़े ऑफिसर उन्हें यह कहते हैं कि आप सुलह कर लें। वो स्कूल जहां पर आप तरबियत के लिए बच्चों को भेजते हैं, 6 लाख रुपए आप 4 महीनों का जमा करवाते हैं, वो स्कूल कहते हैं जहां पर बच्चों को दिलेर बनाना चाहिए, उनकी तरबियत करनी चाहिए, उन स्कूलों में वहां पर बच्चे कैफेटेरिया में बैठ के नशों के आदि बन रहे हैं और उसी स्कूल के बड़े टीचर्स करता धरता बैठकर उस बाप को कहते हैं कि आप सुलह कर लें, और अगर आप सुलह नहीं करते तो आप अपनी बच्ची को कहीं और ले जाएं, हमें क्या। आप सोचें कि एक बाप जो अपनी बच्ची का 6 लाख रुपया जमा करवा रहा है, उसकी बच्ची के साथ ज्यादती भी हुई, उसके साथ बुरा भला भी हुआ, और उसके बावजूद जब वो कहते हैं कि आप इन बच्चों के खिलाफ एक्शन लें, इन लड़कियों के खिलाफ एक्शन लें, तो स्कूल वाले कहते हैं हम तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग बड़े ताकतवर हैं और वो आपके बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्कूल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यही बात पुलिस वाले भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से, जो इस मुल्क को संभाले हुए हैं, जो इस मुल्क पर अपना रोब रखते हैं, अपना होल्ड रखते हैं, खुदा का वास्ता है। इस दुनिया ने खत्म हो जाना है, हमारी जिंदगियों ने खत्म हो जाना है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए फिक्र करें कि जिन लोगों से आप मदद लेकर उनके खिलाफ नहीं जाते, उनके खिलाफ बात नहीं करते, आप सोचें कि ये जिंदगी तो एक दिन खत्म होनी है। जब एक दिन जिंदगी खत्म होनी है तो खुदा का वास्ता उस मजलूम बच्ची के, उसका साथ तो दे, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसके बाप को इस तरह तो ना डराएं कि अगर तुमने
अपना फैसला वापस ना लिया तो कल को तुम किसी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। जिस मुल्क का कानून इस कदर कमजोर हो जाए, जहां पर इंसाफ लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाए, सोचें एक आम आदमी इन सारी चीजों को देखकर कितना परेशान होता होगा। और वो सोचता होगा कि जिस मुल्क को हम आजाद समझते हैं, जिस मुल्क को हम अपना घर समझते हैं, उस मुल्क में एक गरीब आदमी के साथ कितना जुल्म हो रहा है। ये मैं इस गरीब आदमी उस शख्स को कह रहा हूं जो इस सारे मामलात को देखते हुए अपने आप के बारे में सोचता होगा कि एक शख्स इतना अमीर जो अपनी बच्ची की इतनी ज्यादा फीस जमा करवाता है, वो अपनी बच्ची को इंसाफ नहीं दिला सकता। हम तो आम आदमी हैं जो 20-25-15 हजार रुपए महीना कमाते हैं। खुदा न खासा हमारे बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो हम इस मुल्क में कहां और किससे इंसाफ मांगेंगे। खुदारा इस मुल्क को इतना दुनिया में बदनाम ना करवाएं कि जहां दुनिया सारी ये समझती हो कि पाकिस्तान में आकर कोई भी गुनाह करके कोई भी, यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने बेगुनाह लोगों को कत्ल किया और उसके बाद चुपचाप आराम सुकून से प्राइवेट जहाज में बैठकर इस मुल्क को छोड़कर चले गए। अगर ऐसी ही बेइंसाफी इस मुल्क में रही तो यकीन जाने हम कभी भी इस दुनिया में इज्जत नहीं पा पाएंगे। बहरहाल ये मेरे दिल की कुछ बातें थी जो मैं चाहता हूं कि वो लोग सुने जो अपने ओहदे पर बैठे हुए, अपनी सीट पर बैठे हुए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो उस बाप को डरा रहे हैं कि तुम अपना फैसला वापस ले लो, इनके खिलाफ ना जाओ वरना तुम्हें संगीन नतीज का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे बच्चों पर और जो बच्चे बिगड़ चुके हैं उन पर भी अपना फजल फरमाए।